like home. You turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. मॉर्निंग, कैसे हो? सेकेंड डे एम क्वार्टियर मॉल जा रहे हैं, रेडी हो चुका हो। यहाँ पे शायद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रहना पड़ेगा, तो शूट चलते रहेगा। बीच में मौका मिला तो आपको भी वीडियोस सिनेमैटिक देखने को मिल जाएंगे। तो एम क्वार्टियर मॉल, यहाँ से आई थिंक सो बस पकड़ना है। बस कौन सी है मैं वो बता दूँगा बाद में। बस पकड़ के वो मॉल पे जाना पड़ेगा, वहाँ से कुछ घंटे वहाँ पे स्पेंड करके उसके बाद जो इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए ही रहेगा पूरा। चलो फिर, ये टुक 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 बहुत स्पेशल है यहाँ पे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये हमारी बार आते पीछे और आज हम लोग निकल रहे हैं एम क्वार्टियर मॉल के लिए। वेल, दिस इज पेटपुरी सो इट्स अ एंड यह हमारी एक्चुअली स्ट्रीट है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग प्लैटिनम मॉल के पास जाएंगे, जो यहाँ से लगभग पकड़ लीजिए आधा किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। और वहाँ से हम बस पकड़ेंगे, 511 नंबर की एसी बस रहेगी। ये एसी बस रहेगी। हाँ जी, फ्रॉम फॉर्म यहाँ पे हमारे से जो स्टॉप है उसका। हाँ। और वहाँ उतर के वहाँ से मॉल के सामने बस हमें उतारेगी। तो बस मिल गई है नंबर 38। Finally we got a perfect bus and this is bus number 38. AC समझ रहे थे, विंडो AC है। विंडो AC है। चलो AC की बात नहीं, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम रहे हैं ताकि हम बैंकॉक को थोड़ा और करीब से जान सके और अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। सो नाउ वी आर डूइंग इट सक्सेसफुली। PC यहाँ पे पहुँच गए। बस का चार्ज था कुछ 10 बात पर पर्सन। तो अभी पीछे एम क्वार्टियर मॉल है, अभी जा रहे हैं। कंफ्यूज हो रहे कि क्या लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं लेना फिक्स कैरेमल लेना है कि कॉफ़ी लेना, भी कंफ्यूज हो गए। कैरेमल विद कॉफ़ी, नो टी, कॉफ़ी नो कॉफ़ी, ओके, वन दिस वन, हाउ मच 300 बार। तो अभी हमने ऑर्डर दे दिया है, सेम गोला टाइप भी है। टेस्टी है, टी फ्लेवर है और बाकी क्या क्या डाला है मेरे को कुछ पता नहीं। आइस का पूरा है, जैसे अपना इंडियन गोला रहता है ना वैसा ही है, बट टी फ्लेवर है। और टी फ्लेवर पहले हमको लगा थोड़ा अलग रहेगा, पर इट इज़ रियली नाइस। इट इज़ मैं बहुत बिजी हूँ खाने में, सो अभी कुछ नहीं,
देख के आप समझ सकते हो इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, तो बात करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये लोग खा जाएंगे यार। इधर आके ही टेस्ट मिलेगा, ऐसे मिलेगा नहीं आप लोगों को। इधर आओ टेस्ट करो जब मालूम पड़ेगा। दो स्टूडेंट छुट गए एक्चुअली पीछे, दो जन तो उनके लिए रुके हैं, पैर इतने दुख रहे थे सब बैठ गए नीचे। नियॉन मार्केट है पास में ही है, सुना है बहुत कुछ उसके बारे में, काफ़ी अच्छा है। छोटा सा मार्केट है या बड़ा है पता नहीं, जाके ही पता चलेगा। इंदिरा मार्केट बोलते हैं, और इंदिरा मार्केट से नियॉन मार्केट जा रहे तो यहाँ पे ही काफ़ी ऑप्शन मिल जाएगा शॉपिंग के लिए। कपड़े बहुत सस्ते दिख रहे हैं, मगर पता नहीं आप बार्गेनिंग करके और कम कर सकते हो। जैकेट्स भी है, और प्रिया बोलती है कि मुझे ब्लॉग करना है, मतलब मुझे कुछ बोलना है, तो ये प्रिया है। Hi, we are at Palladium and we are going at the Neon Market and this is the just the first day and we are enjoying a lot. You are enjoying? पता नहीं यार लड़कियों को क्यों मजा आता है यार, मैं तो बोर हो रहा हूँ यहाँ पर। शॉपिंग है ना यहाँ पर, तो हम भी शॉपिंग करते हैं, मगर इतना क्या देखने का क्या नहीं देखने का, बहुत ज्यादा। कुछ खरीदा क्या अभी तक? स्टार्टिंग है अभी तो, बहुत सारा खरीदना है। वो तो बात सही है, पहले देख लेते फिर बाद में शॉपिंग करते हैं, ऐसा मुझे सब पता है। तो फाइनली हम लोग नियॉन मार्केट पहुंच गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम अड़ोस पड़ोस लोगों से बात कर रहे थे। 100 रुपए में दोगे तो बताओ। 100 रुपए में क्या देगा? 100 रुपए मुझे तो पता नहीं, मगर यहाँ मिल जाएगा सस्ते से सस्ता। यस 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 एनीवन। सबको तो पसंद है, इसने 20 बात में लिखा ली है पता नहीं कहाँ से, और मैं पूछ के गया था तो 40 बोल रहा था। Bargaining is must guys, you must bargain here. इनसे सीखो यार कुछ, हमसे तो होता नहीं है। मैं बोला चल अभी वापस जाते हैं, देखते क्या बोलती है। मतलब मैं तो पक गया यार, यहाँ पे मेरे कुछ काम की चीज़ है नहीं, मगर यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है बाहर जैसा लग रहा है, या कैफेज लग रहे हैं, तो कैफेज जैसे लग रहे हैं। और पीछे देख सकते हो कैफेज भी है, लाइव म्यूजिक है, वो ये देखना चाहिए। ओके, आई वांट स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी। पाद थाई करके एक नूडल्स टाइप है,
वो ऑर्डर किया है, वेज है, तो देखते हैं। मीडियम ना? मीडियम। मैंने नूडल्स टाइप मंगाया था तो पता नहीं सैलेड आ गया है, देखते हैं। और एक कोल्ड कॉफ़ी मंगाया था तो जो सैलेड वाला ऐसा चीज़ दिख रहा है वो 60 बात का था और कोल्ड कॉफ़ी भी 60 बात का है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। पत्ता गोभी पूरा ऐसा आधा काट के दे दिया है, अभी उसको कैसे खाऊंगा पता नहीं। चलो इसको खा के देखते हैं कैसा टेस्ट रहता है। टेस्ट तो काफ़ी ऑसम है, स्पाइसी हो गया है, मीडियम स्पाइसी बोलने का भी स्पाइसी है। अच्छा हुआ कोल्ड कॉफ़ी मंगा लिया है तो शायद नॉर्मल हो जाएगा, मगर पूरा फ्लेवर पूरे मुंह में फैल रहा है, काफ़ी तेज़ है, शायद घर पे आके बैठना पड़ेगा। फिर भी टेस्टी काफ़ी है, इसमें शेंगदाने भी डाले हैं, टमाटर भी डाला है, लेमन है, चिली है, ग्रीन चिली, रेड चिली, जूसी है काफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी ट्राई मार के देखते कैसा है। अच्छा है, नॉर्मली टाइप है ये। मैंने तो उससे पूछा था वेज है क्या, तो उसने वेज बोला, मगर इसमें प्रॉन्स भी है। मेरे को तो चल जाएगा, मैं खाता हूँ नॉनवेज, मगर कोई वेजिटेरियन है तो प्लीज़ पहले देख लीजिए क्या ऑर्डर कर रहे हैं, कैसा ऑर्डर कर रहे हैं, या मत ही कीजिए मैं तो बोलूँगा, क्योंकि वो फिश ऑयल यूज़ भी करते हैं। बाकी तो टेस्ट एक नंबर है, उसमें कोई बात नहीं है। टेस्ट में मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, अभी तक तो आधा मील ख़त्म कर चुका हूँ, तीखा तो बहुत लग रहा है, और कोल्ड कॉफ़ी है तो चलो 50-50 हो जा रहा है, इतना तीखा नहीं लग रहा है। देखने के लिए और शॉपिंग करने के लिए काफ़ी कुछ है, मेरे लायक तो नहीं था ज़्यादा कुछ, मैं इतना शॉपिंग करता भी नहीं हूँ, मुझे इतने एसेसरीज या बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरत भी नहीं है। और देखे जाए तो ये मार्केट चिल मारने के लिए, आओ खाओ पियो इन्जॉय करो, शॉपिंग के लिए मेरे को तो ज़्यादा इतना कुछ नहीं लगा। शॉप्स है पर वहाँ पर ज़्यादा शॉपिंग कोई कर रहा नहीं है, जो है पब्लिक यहाँ पे चिल मारने के लिए आई है, तो नियॉन मार्केट है परफेक्ट चिल मारने के लिए, शॉपिंग करने के लिए भी ओके, नॉट बैड, कर सकते हैं, इतना महंगा भी नहीं है, कोई भी चीज़ है सस्ती है, 200-300 बात में ऑलमोस्ट हो भी जाएगा शॉपिंग आपका, अगर आपको ज़्यादा करना है तो फिर बात अलग है। व्यू एक नंबर है, अभी ये रहा है सब लोग, चलो चलो अभी जाने का टाइम हो गया है तो जा रहे हैं, फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे, मिलते हैं कल, कल नया दिन नई शुरुआत।